रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। जी हाँ, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे गांव जहां भगवान भरोसे लोग रहते हैं। अगर आप इस नए गांव में बसे लोगों से मिलेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएंगी। सरकार वादे करती है कि हर गांव में सड़क, बिजली और पानी होगी, लेकिन कभी वादे पूरी नहीं करती। गांव के लोग मजबूरन पोखरे के पानी को ही पीने के मजबूर है। बच्चे उस पानी को पीकर बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। गाँव के मुखिया भी कभी सुध लेने नहीं जाते उस गाँव में। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो है रखवाला। आइए ले चलते हैं डुमरिया प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सेवरा पंचायत अंतर्गत कसिया नगर, जहां पे पहाड़ों के बीच बीचों बीच 20 साल से बसा गांव कसिया नगर, जहां न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न कोई व्यवस्था है। आइए जानते हैं कि यहाँ के लोग कैसे अपने गुजर बसर करते हैं। घर से तो बहुत दूर है, कहीं देखा था कि नाते नाते एकदम चल जाए थी, टोंगरा तर जाए थी, उसे जाए थी। कितना किलोमीटर लगा है कि 1 किलोमीटर पर रहा। ये पानी पीते हैं या और कुछ यूज करते हैं? नहीं सर, पानी पिया ही है। इतना गंदा पानी है, ये है पानी पी के तो मर रही थी। खोकी शादी बर्दी होली मांग कर रही थी कि सरकार हमन के चापाकल दे दो, कुंजा दे दो, रोड दे दो, हमन के कोई साधन ना मुखिया से तो मिला ली हल ना कह के गेल थी बाकी कहाँ तक। वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य द्वारिका भुइया का कहना है कि यहाँ के लोग अपना जीवन बसर मजदूरी करके करते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। 20 साल हो गए इस गांव को बसे हुए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत दुख तकलीफ करके ही लोग के हम बसाए, बहुत कठिन करके दौड़ गए पटना, गए दिल्ली, गए सबके नेता लोग को बुलाए, तो हर जन इस पर धरती पर बसा है। और हम बहुत खुशी मनाते हैं, जब आते हैं तो बहुत खुशी मनाता है लोग। हम तो कभी कभी यहाँ नहीं रहते हैं, पटना में रहते हैं। समस्या बताइए। समस्या ये लोग को पोखरा का पानी पीता है, बहुत गंदगी, ये लोग का रोड नहीं है, बिजली है, अथी मच्छर से मर रहा है सब ये लोग। हम कितना वजन लेके चले, हम छोटा कभी सांसद या विधायक से आपने इस पर विचार बात किया? बात नहीं किए थे सांसद विधायक से। ये अभी 2-3-4 साल के लगभग ये सब काम हुआ है, और बहुत कठिनाई में हम लोग हैं, और हम भी कठिनाई में हैं, ये लोग भी कठिनाई में हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो पोखरा का पानी पीते हैं रोड में बगैर। वार्ड सदस्य हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम वार्ड सदस्य हैं जरूर, बाकी काम कर रहे हैं ये लोग के, जनता के इंदिरा आवास मिल जाए, रोड मिल जाए, पोखरा मिल जाए, पानी पिए ला मिल जाए, चापाकल हीरा बोरिंग हो जाए, सब हो जाए। कब तक होगा? क्या करें मुखिया, ऐसा कि सब हम लोग तो नज़र से नहीं ताकता है, क्या करें मुखिया, हम लोग तो देखे नहीं चाहता है, छोटा आदमी का नहीं मिले, क्या करें। हम लोग को इतना दौलत नहीं है कि हम पहुँच सकते हैं, दौलत रहेगा तब नहीं जा सकते हैं। आगे राजनीति बनाना है कि हम लोग का रोड है, चापाकल है, घर है, में हम लोग को इंदिरा आवास दिया जा, कुछ नहीं सुनवाई होने पर होगा आंदोलन। सुनवाई होने पर आंदोलन तो जरूर होगा, और क्या कह सकते हैं हम, गरीब के बच्चा है, बहुत ही लोग को ढो रहे हैं, चलते चलते हमको पा भी थक रहा, बूढ़ हो गया है, बहुत मेहनत की है ये लोग के चलते। जब हमारी टीम ने यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय नेताओं के वादे सुन सुनकर कान पक चुका है। उनके हजार वादे होते हैं, लेकिन एक भी पूरा नहीं होता। गांव के लोग कहते हैं कि हम लोगों की दो मांगे हैं, अगर पूरी हो जाए तो हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे। गांव के लोगों की मांग है कि सड़क और बांध का काम सरकार कर दे तो गांव के लोग खुशहाल जीवन बिताएंगे और गांव का विकास भी होगा, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी गांव की सुध लेने नहीं आता।
गया में डुमरिया प्रखंड के सेवरा पंचायत की यह दुर्दशा है कि लोग सड़क पानी को तरस रहे हैं। इस नए गांव के लोगों ने इस गांव का नाम काशी नगर रखा है, जहां 62 घर हैं और लगभग 400 लोग रहते हैं।